ऑलराइट, तो आज एक नया दिन, नई अपॉर्चुनिटी और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है भाई। देर आई दुरुस्त आई, मेरे पीछे फाइनली आ चुकी है द ब्रांड न्यू 2020 होंडा हाइनेस सीबी 350, हाईली एंटिसिपेटेड एंड रिक्वेस्टेड बाइक ऑन आर चैनल। ब्लॉग शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू अर्जुन सर, जो ये इस बाइक के ओनर है, जिन्होंने जो आज मुझे ये बाइक प्रोवाइड की अब तक पहुँचाने के लिए। इनकी जो एक पेट शॉप है, अगर आपको अपने पेट के लिए कुछ भी सामान वगैरह खरीदना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पर जो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। एंड इसी गुड नोट के साथ जो अपन शुरू कर देते हैं आज का ब्लॉग। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग इन 3, 2, 1 जूम। और ये रही बाइक की चाबी, हैशटैग खुशियों की चाबी इन द चैट। अभी अपन जो तुरंत बाइक पर बैठेंगे एंड करेंगे इसकी टेस्ट राइड। अगर आपको इसका एक वॉक अराउंड रिव्यू देखना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। तो सबसे पहले अपन सुन लेते हैं बाइक का एग्जॉस्ट नोट। भाई माइंड यू, एग्जॉस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा कड़क है। एंड ब्लॉक के एंड में मैं जो थोड़ा बहुत इसको मीटर के साथ भी कंपेयर करूँगा और मैं बताऊँगा अपना वर्डिक्ट। सो लेट्स स्टार्ट द मोटो व्लॉग। ड्यूड भाई, बाइक का जो इनिशियल टॉर्क है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मतलब आपको जो है यहाँ पर इंस्टेंट रिस्पांस मिल जाएगा। थ्रॉटल रिस्पांस जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, और पिकअप भी जो है काफ़ी तेज़ी से पकड़ लेती है। तो अगर इसका पावर मैं मीटर के साथ कंपेयर करूँ तो आई एम श्योर ये जो है फर्स्ट गियर चैलेंज में जीत जाएगी। और अभी अपन आ जाते हैं बाइक के कम्फर्ट पर। भाई बाइक का सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो हैंडल बार जो रहेंगे काफ़ी आपके तरफ रहेंगे, मतलब आपको जो ज़्यादा आगे झुकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपका जो लोअर बैक रहेगी वो हल्की सी, मतलब एकदम ही हल्की सी आगे की साइड, थोड़ा बहुत आपको यू नो कमिटेड रहना पड़ेगा टूवर्ड्स द हैंडल बार, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं, विच इज़ वेरी मच कम्फर्टेबल। और फुट पैक्स जो है वो एकदम ही सेंटर सेट रखे हुए हैं, तो मतलब आपके जो पाँव रहेंगे वो एक उल्टा एल शेप में बने हुए रहेंगे, तो वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखे हुए हैं। सो ओवरऑल कंफर्ट के बारे में अगर बात करूं सो इट इज़ अ वेरी 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 कंफर्टेबल मोटरसाइकिल। दूसरी बात, बाइक की जो सीट्स है वो एकदम ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम ज़्यादा यू नो मोटा वाला कुशनिंग दिया हुआ है, जिसके वजह से जो है आपके बम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। भाई आपने इस बाइक का थ्रॉटल ओपन किया, आपको जो आपके कानों को जो म्यूज़िक मिलने वाला है बहुत ही ज़्यादा कड़क मेरे दोस्त, बहुत ही ज़्यादा कड़क। और अभी अपन आ जाते हैं हैंडलिंग पे। भाई बाइक की हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, और यू नो बाइक मोशन पे आने के बाद आपको जो है बाइक का ज़्यादा वेट नहीं लगता, बाइक जो है काफ़ी यू नो लाइट वेट फील होती है। आई गेस इस बाइक का वजन कुछ 180 या 181 किलोस की है बाइक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट बाइक का जो वेट इतना ज़्यादा आपको फील नहीं होता। सिर्फ एक ही बार आपको इस बाइक का हैवीनेस लगेगा, वो है ब्रेक अप्लाई करने के टाइम पे। ब्रेक अप्लाई करने के टाइम पे जो है आपके रिस्ट पे जो है थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता है, हल्का सा प्रेशर पड़ता है, बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो सो इट्स टोटली फाइन। एंड यहाँ पर अपन कर लेंगे एक यू टर्न टेस्ट। यस, बाइक को जो है लीन वगैरह करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, काफ़ी आसानी से जो है बाइक लीन वगैरह हो जाती है। एंड यहाँ पर आपको 5-speed गेयर बॉक्स मिलती है, एंड गेयर शिफ्टिंग जो है माइंड यू काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ पर जो आपको एक स्लिपर क्लच का भी ऑप्शन मिलता है, जिसके वजह से जो है गेयर शिफ्टिंग और भी स्मूथ हो जाती है मेरे दोस्त, क्या बात है। मैं इस बाइक को जो है ना आई डोंट नो वाई बट थ्रॉटल ओपन करने में ही चलाने में मज़ा आता है, मतलब लोअर आरपीएम पर जो आपको लगेगा नहीं लोअर आरपीएम पे नहीं, आपको थ्रॉटल ओपन करना ही है, क्या मज़ा आता है। और साइड मिरर्स जो है काफ़ी अच्छा खासा आपको व्यू दे देंगे पीछे, और ये बिट्स एंड पीसेस में आपको जो क्रोम फिनिशिंग मिलते हैं वो एक बहुत ही एक यू नो रिचनेस ऐड कर देती है टू द बाइक। एक 15 लीटर की मैसिव टैंक मिलती है, जिसमें से जो आपको ऑलमोस्ट आई गेस 30-35 की माइलेज मिल जानी चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और बाइक जो है रियलिटी में दिखने में बहुत छोटी दिखती है, मतलब आप फोटो वगैरह में देखते हो तो, बट रियलिटी बाइक जो है फोटो वगैरह में बहुत छोटी दिखती है, बट रियलिटी में इट इज़ अ वेरी ह्यूज मोटरसाइकिल। एंड टैंक का जो शेप है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मेरे थाई जो है काफ़ी आसानी से अंदर टकिन मार रहे, और विंडास आने पर भी ऐसे खुल नहीं रहे हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट। ड्यूल चैनल ABS, अभी अपन कर लेते हैं इसकी ब्रेकिंग टेस्ट।
ये मैंने बाइक को भगाई और मैंने अप्लाई की। यस 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 यस, फ्रंट ब्रेक जो काफ़ी अच्छा खासा बाइक दे रही है एंड फ्रंट सस्पेंशन भी जो है सॉफ्ट सेटिंग पे रखे हो तो आपको जो है बाउंस बैक इफेक्ट भी मिल जाएगी। और अभी अपन कर लेते हैं रियर ब्रेक टेस्ट। ये मैंने भगाई और मैंने अप्लाई की। वाओ यार वाओ, सीरियसली रियर ब्रेक का जो भी बाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। बट ऑब्वियसली बात है, फ्रंट ब्रेक से जितना बाइट मिलता था रियर ब्रेक से नहीं मिलता, बट दोनों का कॉम्बिनेशन में जो है काफ़ी अच्छा खासा स्टॉपिंग पावर। और अभी मैं आपको देता हूँ एक प्योर एग्जॉस्ट नोट, सुनिएगा ज़रूर। तो स्पेशली बाइक जो है ऑलमोस्ट 60-100 किलोमीटर्स पर आर के बाद विंड ब्लास्ट के वजह से आपको जो इसका एग्जॉस्ट कम सुनाई देना शुरू हो जाता है, ऑब्वियसली बात है। बट लोअर आरपीएम में जब भी यू नो इतना विंड ब्लास्ट नहीं होता तो कानों को जो है मज़ा आता है। और हैंडल बार्स पे आते हैं तो हैंडल बार्स पे जो है यहाँ पर आपको पास साइड के साथ साथ वो सारी स्विच मिलती है जिससे जो आप अपने यू नो कंसोल को कंट्रोल वगैरह कर पाओगे। एंड नीचे की साइड जो है हॉर्न और सिग्नल का बटन, सिर्फ एक ही यहाँ पर फर्क है कि सिग्नल जो है ऊपर है एंड हॉर्न जो है हॉर्न जो ऊपर है सिग्नल नीचे है, तो उल्टा आपको थोड़ा यूज्ड होना पड़ेगा। और ये बाजू इंजन किल स्विच और हजार लाइट का बटन, इंजन किल स्विच पावर तीनों का एक ही बटन है। और कंसोल में जो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है और आपको मिल जाएगी अपनी स्पीड, बैटरी वोल्टेज, किलोमीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर। और मान लीजिए अगर आप अपनी बाइक को यू नो नॉर्मल कंडीशन 30-40 किलोमीटर पर आवर पे चलाते हो तो यहाँ पर जो है इको का भी आपको सिग्नल दिख जाता है, जिससे ये साबित होता है कि आपकी बाइक जो इकोनॉमिकल कंडीशन में चल रही है, तो आपके जो है माइलेज बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और एक चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पर दिया हुआ है विच इज़ गुड। विंड ब्लास्ट जो है काफ़ी ज़्यादा लगती है तो आपको जो है आफ्टर मार्केट वाइजर लगवाना ही पड़ेगा। फ्रंट में जो आपको पूरा का पूरा एक LED सेटअप मिलता है, मतलब टर्न इंडिकेटर से लेकर हेडलाइट तक सब कुछ यहाँ पर आपको LED ही मिलेगा। एंड रियर जो सस्पेंशन है उसको आप 5 स्टेप एडजस्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से, बट अभी फिलहाल जो सॉफ्ट सेटिंग पर रखे हुए हैं तो आपकी बाइक जो है सो बाउंस होती है विच इज़ गुड। यार इसको खोलने में जो मज़ा आता है सुपर। और आई एम श्योर आप बार बार इसको रेव करते ही रहोगे सिग्नल पर खड़े रहोगे। तब अपन इसकी कर लेते एक हाइट टेस्ट। मैं बाइक को रोक दूँ साइड पर। ओके सो मेरी जो हाइट है वो है 5'10" एंड मेरे जो है दोनों पाँव काफ़ी आसानी से नीचे टिक रहे हैं विदाउट एनी टेंशन। तो मान लीजिए अगर आपकी हाइट 5'8" या 5'7" भी है तो भी आप इसको मैनेज कर पाओगे। अगर आपकी हाइट उससे कम है तो एक पाँव ऊपर और एक पाँव नीचे, मतलब या तो ये बाजू का पाँव ऊपर रख रहे हो या तो ये बाजू का पाँव आप, मतलब एक पाँव नीचे रखना पड़ेगा और एक पाँव फुटपैक पर रखना पड़ेगा। जो कोई भी शॉर्ट राइडर है वो समझ जाएंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और वाइब्रेशंस, यस वाइब्रेशंस आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशंस अपने फुटपैक्स पे लगेंगे, अपने हैंडल बार्स पे लगेंगे। एंड और टैंक यहाँ पर बहुत मिनिमल वाइब्रेशंस है। तो जैसे आप हायर RPM पे जाते हो तो फुटपैक्स पे जो है वाइब्रेशंस लगना और शुरू हो जाते हैं। क्या बात है यार, स्पीड ब्रेकर पे से वगैरह पे से लेके जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। यार ये बाइक क्या आवाज़ प्रोड्यूस करती है यार, मजबूत कड़क। ऑलराइट सो आई गेस मैंने सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर लिए ऑन द हाइनेस 350। तो अभी मैं जब आपको मेरा फाइनल वर्डिक्ट दे दूँ कि आपको ये बाइक क्यों खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। भाई मान लीजिए अगर आप यू नो टूरिंग करना चाहते हो और आपको जो है एकदम वो बोले ना टॉर्क वाली बाइक चाहिए जिसमें टॉर्क बहुत ही कमाल का हो, और स्पेशली एग्जॉस्ट अगर आप यू नो जब कभी बाइक चला उसके एग्जॉस्ट आपको बार बार सुनना पसंद है, CB350 जो है जरूर से जरूर आके चेकआउट कीजिएगा। एंड अभी अपन जो है इसको मीटियोर के साथ थोड़ा बहुत कंपेयर कर लेते हैं। भाई मीटियोर का जो है मुझे सीटिंग पोजीशन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगा एज कम्पेयर टू द CB350। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट बताऊँगा सीटिंग पोजीशन के मामले में आपको जो मीटियोर ज़्यादा कम्फर्ट देगी बिकॉज उसके जो फुटपैक्स आगे हैं जिसके वजह से जो है आपको कंफर्ट ज़्यादा मिलता है। पावर के मामले में जो है CB350 हैंड्स डाउन आपको ज़्यादा पसंद आने वाली है, मतलब यू नो अगर आपको क्विक थ्रॉटल रिस्पॉन्स चाहिए तो उसके लिए जो है CB350 आपको ज़्यादा पसंद आएगी। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ओवरऑल सो दोनों बाइक्स में जो है एकदम ही एक यू नो यहाँ पर वो पर्सनल वाली चीज़ आ जाती है कि आपको यू नो
लुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर मैं लुक्स के बारे में अगर बोलूँ तो आई थिंक CB350 जो है फोटोग्राफ में एंड ओवरऑल वीडियो में भी जो है बेहतरीन दिखती है, एंड रियलिटी में भी जो है मेरे हिसाब से ये बाइक दिखने में बेटर है लुक्स के मामले में। मीटियर जो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मीटियर दिखने में अच्छी नहीं है, बट व्हेन यू कंपेयर इट टू द CB350 आई थिंक इट इज़ अ विन ईयर ऑन द CB350। बाकी दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो गाइज। इफ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज DVF व्लॉग्स साइनिंग आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।